जो है OMG 2 का जो है ट्रेलर आ चुका है, जहाँ ट्रेलर के पहले शॉट में आपको देखने को मिलेगा भगवान शिव का ग्लिम्स देखने को मिलेगा। बैकग्राउंड में आवाज चलता है कि नंदी मेरे भक्त को जो है संकट में है, इसके लिए मेरे किसी दूत को भेजो। भगवान शिव नंदी जी से बोल रहे हैं। तो पहले जो शिव भगवान स्वयं आने वाले थे अक्षय कुमार, वो क्या है, द मैसेंजर ऑफ गॉड। सबसे घटिया थ्योरी अब्राहमिक रिलीजन के थ्योरी को जो है सनातन में थोप दिया गया है, जबरदस्ती का घुसेड़ दिया गया है, क्योंकि सनातन धर्म ऐसी कोई परंपरा ही नहीं कि भगवान जो अपने किसी दूत को अपने भक्त की रक्षा के लिए भेजते हैं, जबकि भगवान यहाँ जो स्वयं ही आ जाते हैं। तो सबसे पहले सीन से इन्होंने डिसअपॉइंट कर दिया। OMG 2 का ट्रेलर आ चुका है, जहां हमने इसके टीजर पर कई सारे वीडियो बना चुके हैं कि इसको एडल्ट सर्टिफिकेट मिल चुका है। इसके 27 सीन्स को जो है कट कर दिया गया था सेंसर बोर्ड के द्वारा, फिर भी इसको जो है ए सर्टिफिकेट सारे लोग रिलीज कर रहे हैं। ट्रेलर में आप कुछ भी कमी नहीं दिखेगा, आप देखोगे तो एक्साइटमेंट 100% सक्सेस रेट आपको जो है नेक्स्ट ब्लॉकबस्टर के देखो। ट्रेलर देखोगे तो आपको कहीं भी कोई कमी नहीं दिखेगा, आपको लगेगा कि नेक्स्ट ब्लॉकबस्टर। ऐसे ऐसे पेमेंट्स मैंने देखा जो पेड है मीडिया द्वारा किया गया, अलग बात हो समझ में भी आता है, जो कि बॉलीवुड के भांड होते हैं जो कि कमेंट्स हर वीडियो में आके करते हैं, हर ट्रेलर मूवी ट्रेलर में आके करते हैं। लेकिन आप इसके ट्रेलर को अब जाके देखोगे, आप इसमें आपको जो है कोई भी ज़्यादा क्लियरिटी नहीं मिलेगी कि क्या है। लेकिन ये एजुकेशन सिस्टम पे जो केस करने की बात की जाती है, मतलब वही बात है कि उसके जो पंकज त्रिपाठी जो बेटे हैं वो कुछ जो है अभद्र कांड करते हुए पकड़े जाएंगे, जिसके कारण से जो है पंकज त्रिपाठी की बेइज्जती हो जाएगी, उसे उस स्कूल से निकाला जा रहा है। अरुण गोविल जी भी दिख रहे हैं भाई, श्री रामचंद्र के कैरेक्टर निभाने वाले हैं बोल रहे थे, लेकिन इसमें वो जो है शायद किसी स्कूल का प्रिंसिपल बने हुए हैं बोल रहे हैं। आपसे इस जैसे संस्कारी आदमी से हमने ऐसी उम्मीद नहीं की थी, मतलब पंकज त्रिपाठी का पुत्र जो है कुछ करते हुए, मतलब समझ सकते हैं आपकी जो मास्टरबेशन वगैरह करते हुए पकड़ा जाएगा, या फिर उसका कुछ वीडियो लीक वगैरह हो जाएगा या कोई बना के डाल देगा, तो इससे पंकज त्रिपाठी का पूरा नाक कट जाएगा, उसके बच्चे को जो स्कूल से निकालने की बात की जा रही है, कहीं उसको एडमिशन नहीं मिल रही, इसमें आकर वो जो है ट्रेन के आगे खड़ा हो जाता है, जो कि आपने देखा होगा। ट्रेलर के फर्स्ट शॉट में ही महादेव का एक जो है आपको तो ग्लिम्स देखने को मिलता है, जहाँ बैकग्राउंड में आवाज आता है कि नंदी मेरे भक्त पर संकट आने वाली है, आप जाओ। तो सबसे पहली बात, यहाँ द मैसेंजर ऑफ गॉड वाली थ्योरी जो है बिल्कुल बहुत बकवास लग रही है, क्योंकि ये तो सभी को पता ही है कि अक्षय कुमार पहले क्या थे, महादेव थे, अब क्या है, द मैसेंजर ऑफ गॉड। सबसे पहले सनातन धर्म में ऐसा कोई थ्योरी, ऐसा कोई पॉइंट ही नहीं है, ऐसे कोई बातें ही नहीं है कि कोई भगवान अपने किसी दूत को रक्षा के लिए भेजता है। हमारे यहाँ भगवान खुद दौड़े चले आते हैं, जब भक्तों की बात आती है तो स्वयं भगवान आ जाते हैं, वो किसी को भेजते नहीं है कि मेरी भक्ति की रक्षा के लिए तुम जाओ, ये जाओ, वो जाओ। तो देखते हैं द मैसेंजर ऑफ गॉड में किस चीज़ के अवतार दिखाए वीरभद्र है, कि बटुक भैरव जी की कौन है, वो शिवांश है, रुद्रांश है, तो देखते हैं कि अक्षय कुमार क्या कैरेक्टर निभाने वाले। तो पंकज त्रिपाठी के जो बेटे हैं उसके द्वारा ऐसी कुछ हरकतें कर दी जिसके जो उसे स्कूल से निकाल दिया जा रहा है, उसे बर्खास्त कर दिया जा रहा है। OMG 2 के ही बेसिक कहानी है, सेक्स एजुकेशन के नाम पे आपको जो LGBTQ एजेंडा दिखाया जाएगा, आपको जो है सेक्सुअल ट्रांसफॉर्मेशन को, आपको मास्टरबेशन को प्रमोट किया जाएगा, और वो भी कौन करेंगे, सनातन के जो है भगवान हमारे दूत हैं, जो भगवान शिव के अंशावतार दिखाए जाने वाले हैं, द मैसेंजर ऑफ गॉड दिखाए जाने वाले, अक्षय कुमार को प्रमोट करेंगे। और जहाँ पंकज त्रिपाठी कहते हैं कई सारे डायलॉग नजर आते हैं कि सनातन धर्म जब दुनिया करवट ले रही थी तो हम लोग दौड़ रहे थे, मतलब क्या क्या डायलॉग लिखे हो, कोई सेंस भी नहीं उस बात का। और कह रहे हैं कि सनातन धर्म के चार धर्म स्तंभ है, मेन स्तंभ है, शायद वो कहना चाहते होंगे, मैं जितना मैं जानता हूँ कि धर्म अर्थ काम और मोक्ष, तो काम को लेकर इन्हों जो है लष्ट को लेकर जोड़ेंगे, जबकि काम का अर्थ जो है लष्ट से नहीं होता, काम का अर्थ होता है कर्म से होता है, जिसमें लष्ट केवल एक पार्ट है, वो जो है आपकी वासना केवल एक पार्ट है, ऐसे यही जीवन नहीं होते, जैसे केवल जीवन के हिस्से होते हैं, उसी प्रकार से धर्म अर्थ काम और मोक्ष में भी जो है काम केवल एक भाग है और वासना उसका भी छोटा सा अंश है केवल, इसी को जो काम काम करके प्रमोट कर सकते हैं। मेरे को जितना समझ में आ रहा है मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें जो है LGBTQ एजेंडा को जो है प्रमोट तो किया ही जा रहा है, लेकिन अरुण गोविल जैसे वरिष्ठ एक्टर को, श्री राम की भूमिका निभाने वाले एक्टर को जो है हम इसमें देखते हैं तो ये बहुत बुरा लगता है, बहुत सारे एक्टर इसमें देखने को मिलते हैं। तो वही बात, इस ट्रेलर को आप देखोगे तो जो डिटेल वाले हैं, जिनको पता है इसकी प्रोपेगेंडा के बारे में, उन्हें को ही समझ में आएगा, बाकी आप जो सोचते रह जाओगे कि आखिर बना क्या रहे, इसमें गलत ही क्या है, तो एकदम सिंपल फैमिली फ्रेंडली मूवी है, देखते हैं क्या होता है इसका, बर्बाद ही होगा मूवी, कहीं से भी हिट नहीं होगा, लिख के ले लो, साइन करवाओगे साइन करवा लो, ये मूवी कहीं से भी नहीं चलने वाली, जनता इसको बिल्कुल नकार देगी, क्योंकि सनातन के साथ छेड़छाड़ करने वालों को कहाँ छोड़ा जाएगा। राम सेतु में वैसे क्या था, भगवान श्री रामचंद्र को जिसको हमको जो है ये लोग राम 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 ऐसे बोले थे, उसके बाद ही मैं कह सकता हूँ क्लियरली डिसअपॉइंटमेंट, ये जो है कहीं से भी हिट नहीं होने वाली मूवी, बिल्कुल इस फिल्म को मत देखें। बॉलीवुड को बिल्कुल बुरी तरीके से बर्खास्त कर देना चाहिए, बिल्कुल सीधे से ही बॉयकॉट कर देना चाहिए, क्योंकि ये जो है केवल सनातन का, आपका, हिंदुओं का नाम लेके केवल अपना फायदा ही निकालेंगे।